नमस्कार मैम, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पूनम है, कितों आए जी? पटियाला तो। हाँ पटियाला। जी की परेशानी रह रही थी सुनूं? मेरे कॉन्स्टिपेशन की परेशानी सी काफी टाइम तो। अच्छा जी, ते उस तो बाद में मौका लग गया सी नीचे, ठीक फिर है। मेडिसिन वगैरह बहुत आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी गए पर किसी नाल भी रिलीफ नहीं मिला। हम बस जब तक मेडिसिन लो ठीक है, फिर उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम शुरू। फिर सानू साडे किसी रिलेटिव ने दस्सिया कि मतलब सरहंद खाना डॉक्टर है कि तुसीं उत्थे चले जाओ। असीं 1 ईयर पहला आए सी डॉक्टर साहब को। अच्छा, 1 साल पहला भी तुसी आई सी? हाँ जी, ठीक है। फिर उन्होंने ऑपरेशन ही दस्सिया सी कि ऑपरेशन ही होएगा, पर फिर सानू याद आया कि मन च अगर ऑपरेशन तो बच जाए दवाई दवूई नाल ठीक हो जाए, पर नहीं मतलब दवाई लेंदे रहो तो ठीक है पूरा फिर। 1 साल तुसी ट्राई किया फिर भी हाँ दवाई जी नहीं? हाँ जी, फिर लास्ट टाइम भी आके असीं मन बना लिया कि नहीं ऑपरेशन करवाना है। फिर असीं मतलब फिर पूरा 1 साल ट्राई करने तो बाद ही थोड़ा लगे भी ये मेडिसिन ना हल नहीं होना, इधर हाँ ट्रीटमेंट जी कराना ही पड़ेगा। कराना ही। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। हाँ जी इतने रन हॉस्पिटल जो तुम आए, तुम अपना ट्रीटमेंट कराया, तुम किसी तरह की कोई परेशानी नहीं नहीं हुई? नहीं सर बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कंफर्टेबल हाँ रहे जी हाँ जी डॉक्टर, स्टाफ, हॉस्पिटल की सर्विस सब किस कुछ तरह लगी बढ़िया। है? हाँ जी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा हाँ तुमसे, जी खुश हाँ हो तुम इतने हाँ जी ट्रीटमेंट हाँ करा जी के। बहुत। पटियाला में सब किन्ने ने रेफर किया कि ये डॉक्टर है, तुसी पटियाला तो सरहंद क्यों जा रहे हो? बट नहीं, क्योंकि जिथों अपन विश्वास हुंदा बंदा उधर ही जांदा सी। हाँ क्योंकि जी जदों असीं इत्थों मेरे हस्बैंड पिछले महीने भी किसी पेशेंट नूं लैके आए सी, हाँ जी हाँ जी वो हाँ जी। इन्हां दा फ्रेंड सी, अच्छा ते जी। फिर वो इत्थों का ला के गया, वो ठीक ने बिल्कुल। फिर ये कहंदे असीं पटियाला ही नहीं करवाना, असीं उत्थे ही करवाना। हाँ जी तो ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन तो पहला या बाद कोई परेशानी हुई? बिल्कुल कंफर्टेबल रहे हैं हाँ तुसी जी सारे हाँ जी प्रोसीजर के बीच? हाँ जी बिल्कुल। अजकल बहुत पेशेंट ऐसे मैम जिहड़े जिवें हुण तुसी दवाई दे चक्कर च पए हुए सी, भी बहुत लंबे समय तक तुसी ये प्रॉब्लम झेलिया, दवाइयां नाल कोशिश कीती पर तुहाडा कोई हल नहीं होया हैगा, हाँ जी ते एंड च तुहानूं इहदा ट्रीटमेंट करवाना ही पिया हॉस्पिटल जाके। हाँ जी इस तरह होर भी बहुत पेशेंट ने, मैं चाहना अपने वालों तुसी एक मैसेज दो भी जिहड़े लोग इस वहमां भरमां दे विच फसे हो, कोई देसी दवाई कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, भी उन्हां नूं किस तरह ट्रीट करना चाहिए अपने आप नूं? उन्हें अपना टाइम नहीं खराब करना चाहिए। ट्रीटमेंट करवा के जो डॉक्टर सलाह देंगे वो मेरे डाइट वगैरह फॉलो करके कि ऑपरेशन ही बेस्ट है। हाँ जी हाँ डेली की जी, तकलीफ ना लो, आप महीना ठीक होगी 2 महीने बाद फिर दिक्कत है, उस ना एक बार खत्म कर अपना दो। ट्रीटमेंट करवा लो, हाँ जी दवाइयां दवाइयां पे के बीमारी बदनी होना घटनी नहीं है। हाँ जी हाँ जी। मैंने आयुर्वेदिक दवाई लेती वो मेरे माइंड में चढ़ गई, अच्छा, जो तो ते साइड इफेक्ट हो गया हाँ मेडिसिन जी का। फिर वो मेरे वॉमिटिंग को बहुत ज्यादा हुई, और मेरे हस्बैंड मैम लगने लग गया कि कोई और प्रॉब्लम है, फीवर है कुछ। हाँ जी हाँ जी फिर डॉक्टर ने दिखाया था, वो भी अच्छे डॉक्टर सीगे पटियाला ही, उन्होंने पूछा कि तुसी कोई दवाई ले रहे हो? असि आखिया हाँ जी आयुर्वेदिक दवाई शुरू की थी कॉन्स्टिपेशन की, तो उन्होंने कहा कि दवाई बंद कर दो तो तुझे ठीक हो जाओगी। फिर दवाई बंद की थी मैं बिल्कुल, फिर ठीक हो गई वॉमिटिंग वगैरह। फिर उस तो बाद सोचा कि हम कोई भी दवाई नहीं ले। ओवर मेडिसिन लैन दे भी साइड इफेक्ट आउंदे ने, हाँ जी ते हुण तुसीं अपना छुट्टी करके घर जा रहे हो, बिल्कुल कंफर्टेबल हाँ फील जी कर हाँ रहे जी हैं? सर बिल्कुल जी तुहाडे नाल गल करके बहुत वधिया लगे जी। थैंक यू सर। थैंक यू, हाँ जी थैंक यू जी।